सो फजर की नमाज़ का वक्त हो चुका है, तो सबसे पहले पढ़ती हूँ फजर की नमाज़ और बाद में ईद की नमाज़ भी अदा करनी है। सब गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, सो आने के बाद सबसे मिलते हैं ईद, सबको मुबारकबाद देते हैं ईद की, और मिलती हूँ मैं आपको आगे ब्लॉग में। कंटिन्यू बने रहना। सलामुअलैकुम, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। जरा ईद मुबारक, मुबारक। गाइस ईद मुबारक। ऐसे नहीं, ईद मुबारक। मैं इनके साथ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सभी को ईद मुबारक। सिफादी की YouTube फैमिली को हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। पुलिसिंग के लिए दुआ करें। क्या बोल दे आप यार, आप सभी को जब जितने की बहुत बहुत दोबारा बात ब्रेक हो जाए। फलस्ती आप यार, एक मुबारक। हमारी हो रही है ईद पार्टी। चिलिंग दे रहा हूँ। इधर इधर वाइट बॉल बंद कर दे। रुक जाओ, ये ना मत गाइस, बस 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 अंदर डाल गाइस। बहुत मजा आ रही है, मिनी मिनी स्विमिंग पूल लाए हैं हम सेहत के लिए। हम गर्मी का उपयोग कर रहे हैं, अच्छा अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। ईद तो हम ही बना रहे हैं। आपको ये भाड़े चाहिए, हो गए हैं फिलहाल, हम नहा कर चेक करते हैं। और अगर आपको ये भाड़े चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें मन्नू भाई। गाइस देखो, मैं स्विमिंग पूल में भी डूब जाऊंगा। अगर आपको ऐसे, आपको ऐसे गर्मी में ऐसे कोई आइडिया करना है, आप गर्मी से तंग हो चुके हो, तो आप अपने घर में बड़ा सा तगार क्या, बड़ा सा क्या, बड़ा सा तगारा लेकर के उसके अंदर आप इस तरह डुबकी मार सकते हो। तो उसको तगारे में भी नहीं आ रहा है। अंदर नाखो, अंदर नाखो ना। कोई पानी वेस्ट मत करो, अंदर डालो। हाँ फ्रिज बंद कर दे, मोटर बंद कर दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। यार हो गई। चलो चलो चलो, ठंडी लग रही है मुन्नू को। बोलो चलो, पानी में गई दो मछली, पानी में गई तीन मछली, पानी में गई। चलो बढ़िया, पानी निकलो, पानी निकलो, सब पानी नहीं। नया इन्वेंट करते हुए जब तुम्हारे फेस पे। गाइस आपको कभी पानी मुंह धोना होता है इस तरह भी वाटर टैलेंट। मैं मुंबई आ सकता हूँ, कमेंट जरूर कीजिए। जामी किस तरह से आया तुमको? इट्स कॉल्ड टैलेंट, इट्स अ गॉड गिफ्ट। समझ रहे हो ना, मिल मिल के ये टैलेंट मिला तुमको, अल्लाह की तरफ से मिला। बहुत टैलेंट जामी। थैंक यू सो मच, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुंबई आ सकता हूँ। अमेरिका नेहा कक्कर मेरा शो देखी, ठीक है मैं पानी इस तरह कर सकता हूँ, और मेरे घर बहुत गरीब है, हमारे पास खाने के पैसे। राजा तो सिलेक्ट हो गया। मनु लग लो मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग लो। तौबा तौबा तौबा। मोइन थोड़ा जोर से। आप शूज बताओ लाइट वाले। वाह, और वॉच, वेरी नाइस। और ये नेकलेस लाइट वाला,
तो अब हम चले होटल में खाना खाने के लिए विथ वन एंड ओनली वन माई ब्रदर मोइन यमन। यही मुझे हर जगह ले जाते हैं। क्यों मोइन? मैं कहीं नहीं ले जाता। शट अप। किस किस के भाई ऐसे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हमको जाना था आउट ऑफ सिटी बट हम जा नहीं पाए, इसलिए हमें काम चलाना है, सिटी में रहकर ही काम चलाना पड़ेगा बिकॉज ईद की वजह से रश काफी है बाहर भी और यहाँ पर भी। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पर आ चुके हैं ब्लॉगर। हम खाना ले दाल चावल बराबर। ये सिपाही दीदी हमको दाल चावल खाने ला ले बहुत दिन बाद, तो थैंक यू सिपाही दीदी दाल चावल खिलाने के लिए। मजा आया और मेरी जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। धन्यवाद। माय प्लेजर एनी टाइम। तुम जब भी बोलोगे दाल चावल खाने में लेके आऊंगी जरूर। तो गाइस मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मुझे इतना अफसोस हो रहा है इस चक्कर में जाबाज के साथ चला जाता हूँ। जाबाज के साथ चार लोटी ने चार टटाटे खाते हैं बट उन्हें दाल चावल खिला दिया। बिल मैं दूंगा, बिल मेरे पास दिलवाए। कितना बिल हुआ? लो बिल लाओ। वाह पड़े हो पड़े हो पड़े हो पड़े हो आया। हाय गाइस, आज शिफा दीदी हमको दाल चावल खाने लाए थे। लोगों ने गले तक भर लिया है, गले तक भर लिए सब खाया है। सौ रुपए भी नहीं दिया, हम काशी लाओ बर्तन धोने की बात है। हमने ओनर से बात कर ली है, ओनर हमें थोड़ी जो प्लेट्स है वो कम देगा लेकिन फिर भी धोनी तो पड़ेगी। नीचे तो आप अपने आप जो भी अपना योगदान इस चैनल के थ्रू देना चाहें वो आप दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप स्कैनर है। विम बार ताकि बर्तन धो सके। ये ऐसे लोग आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर पैसे नहीं। ये लोग सिर्फ और एक हमारे मेंबर तो नाराज होके बैठा है। उन्होंने इधर जकी कव्वाल यहाँ पर जकी बाबू सॉरी जकी भाई वो उन्होंने इसे खाया है। इन्होंने सेव खा ले तो जकी लिया है और बस क्या कर सकते हैं। पसंद आया हो सो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले आने वाले और एक्साइटिंग ब्लॉग्स के लिए। अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।